नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश है और पिछले 8 सालों से मैं न्यूज पोर्टल बनाने, उसे मेंटेन करने और उस पर ट्रैफिक लाने के साथ साथ कमाई लाने के विषयों पर मैं काम करता हूँ। न्यूज पोर्टल के साथ साथ, उसे बनाने के साथ साथ लेखन संबंधी भी कार्य करता हूँ और देश भर की तमाम पत्र पत्रिकाएं मेरे लेखों को नियमित तौर पर छापती रही हैं, तो जाहिर तौर पर इससे जुड़ी इंक्वायरीज भी आती हैं, लेखन संबंधी, पत्रकारिता संबंधी, न्यूज पोर्टल संबंधी। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा न्यूज पोर्टल रजिस्ट्रेशन की। सबसे ज्यादा इंक्वायरीज आती हैं दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं कि न्यूज पोर्टल रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, किस प्रकार कराया जाए। गूगल पे अगर आप सर्च करें तो पहला या दूसरा लिंक, न्यूज पोर्टल रजिस्ट्रेशन आप कीवर्ड डालेंगे तो पहला या दूसरा लिंक मिथिलेश 2020 का होगा और इसके जरिए लोग मुझसे सवाल पूछते हैं मेल में, इनबॉक्स में, व्हाट्सएप में। इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक पत्रकार मित्र ने न्यूज पोर्टल मुझसे बनवाया और उस पर यूनिक कंटेंट भी डालने लगे, उन्हें आगे की चीज़ें भी मैंने बताई। संजोग बस एक बार उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने एक वेबसाइट का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने 8,000 रुपये किसी एक वेबसाइट को दे दिए हैं अपना पोर्टल रजिस्ट्रेशन कराने के। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि जब मैंने उस वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन चेक की तो वह एक प्राइवेट वेबसाइट थी, उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं था। संभवतः वह एनजीओ भी नहीं रही हो, या शायद एनजीओ रही हो, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि उस वेबसाइट का गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन से, न्यूज पोर्टल रजिस्ट्रेशन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। इस तरह का कई सारे लोगों ने धंधा बना रखा है, व्यवसाय बना रखा है और इसमें कई सारे लोग फंस गए हैं, फंसने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के अनुसार अभी किसी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं किया गया है न्यूज पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए, तो किसी के भी झांसे में ना आए, बहकावे में ना आए, ये मेरा सुझाव है। प्रश्न उठता है कि अगर न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो प्रेस कार्ड कैसे जारी किया जा सकता है, सरकारी कार्यक्रमों को अटेंड किस प्रकार किया जा सकता है, न्यूज कोई पब्लिश कैसे की जा सकती है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि अप्रैल में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक कमेटी के गठन की बात की थी, जिसमें न्यूज पोर्टल से रिलेटेड तमाम नियम तय किए जाने थे। हालांकि अप्रैल के बाद इस संबंध में कोई सूचना नहीं आई है और अभी हाल फिलहाल मैंने एक RTI डाली थी सूचना प्रसारण मंत्रालय में, लेकिन 3 उस RTI एप्लीकेशन का जवाब आया, आप देख सकते हैं इस स्क्रीनशॉट में, और किसी भी जवाब में कोई भी क्लियर स्पष्टीकरण नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बाबत सोया हुआ है। रही बात प्रेस कार्ड की, तो दोस्तों प्रेस कार्ड आप इशू नहीं कर सकते, यह एक तरह से इलीगल है। हाँ, एक कंपनी के तौर पे, एक पोर्टल के तौर पे, एक वेबसाइट के तौर पे आप ज़रूर अपना न्यूज पोर्टल चला सकते हैं और जो गवर्नमेंट के नियम है, पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, उसके तहत आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, उसके तहत आप कार्यक्रमों को अटेंड कर सकते हैं, उसके तहत आप न्यूज पब्लिश कर सकते हैं। इससे बेटर मैं सलाह दूंगा कि न्यूज पोर्टल आपका स्पेसिफिक कैसे हो, अपने एरिया में पहचान कैसे बनाएं और ऑनलाइन जो कमाई के माध्यम है उन पे आप किस प्रकार आप उनसे जुड़ पाते हैं, इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, कुछ टाइम में हो सकता है कि साल भर बाद, 2 साल बाद अगर गवर्नमेंट इस बारे में अलर्ट होती है तो कोई नियमावली आए, लेकिन हाल फिलहाल कोई नियम नहीं है। तो आप प्रेस कार्ड के इस चक्कर में ना पड़ें, आप जो है इसके रजिस्ट्रेशन के चक्कर में ना पड़ें, आप जो सामान्य कंपनी रजिस्ट्रेशन होती हैं, पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म, उसके तहत आप इसको एक व्यवसाय के रूप में कर सकते हैं। एक प्रेस कार्ड धारण करने का इसको जरिया न बनाएं, फेक न्यूज न दें, क्योंकि अगर कंप्लेन होती है कि आप कहीं वसूली कर रहे हैं, आप जो है किसी गलत कार्य में लिप्त हैं, तो भारतीय कानून के तहत आपके साथ कार्रवाई हो सकती है। बाकी न्यूज पोर्टल चलाने के लिए जहां तक मुझे जानकारी है, किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, जैसे आप एक नॉर्मल ब्लॉग चलाते हैं, वैसे ही आप न्यूज पोर्टल भी चला सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको किसी और मुद्दे से संबंधित जानकारी देंगे। तब तक के लिए मिथिलेश का आपको नमस्कार।